स्टोर पर जा रहा है जिसमें हमको कन्फ्यूजन रहता है कि जो जो लिखा हुआ है जो कलर है सेंटर है तो इसमें कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है जी, तो देखेंगे यहाँ पे कलर का वर्ड है सी ओ एल ओ यू आर, क्या लिखा हुआ है सी ओ एल ओ यू आर, ये भी कलर पढ़ाता है। ठीक है जी, सी ओ एल ओ आर ये भी कलर पढ़ाता है। ठीक है जी, ये दोनों सही है या गलत है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि दोनों सही है। क्यों सही है जी? क्योंकि ये जो वर्ड है वो ब्रिटिश का है, ये जो वर्ड है किसका है ब्रिटिश का है, और ये जो वर्ड है अमेरिकन का है, जबकि हम जो हिंदुस्तानी होते हैं हम लोग ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों वर्ड को मिला के बोलते हैं, इसीलिए दोनों को लिखना सही होगा। क्या होगा? सही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं सेंटर लिखते हैं सी ई एन टी आर ई, कुछ लोग सी एन सी ई एन टी ई आर लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटर सही है। कैसे सही है? क्योंकि ये जो ये सेंटर जो है यह ब्रिटिश का है, और ये सेंटर जो क्या है अमेरिकन का है। ठीक है, जो ये सेंटर है वो ब्रिटिश का है और ये और क्या है अमेरिकन का है। ठीक है, जो ये है फाइनलाइज, क्या चीज है फाइनलाइज, ये भी पढ़ाएगा फाइनलाइज। यहाँ पे एस है, यहाँ पे क्या है तो ब्रिटिश के लोग यहाँ पे एस लगा के लिखते हैं और अमेरिकन के लोग क्या लिखते हैं जेड लगा के लिखते हैं। बस सही फर्क है, ये जितना भी लिखा हुआ है कलर आप ऐसे लिखेंगे तब सही होगा, कलर ऐसे लिखेंगे तभी सही होगा, सेंटर ये दोनों सही है, फाइनलाइज है, जो फाइनलाइज है दोनों सही है। तो हम ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड बताएंगे जो कि मतलब लिखा था अलग तरह के है लेकिन दोनों सही होते हैं। वजह क्या है कि कुछ वर्ड जो ब्रिटिश में होते हैं कुछ अमेरिकन होता है, इसीलिए सब कंफ्यूजन होता है या कि सही कौन है। तो जितना बताएं सब सही है, बस पर कहता है कि एक जो वर्ड होता है ब्रिटिश होता है और एक वर्ड क्या होता है अमेरिकन। ठीक है।